कीरतपुर नेचौक फोरलाइन निर्माण के दौरान कार्य में लगी कंपनी द्वारा लीज होल्डर ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदारों के करोड़ों रूपए अदा न करने उक्त लोगों ने बिलासपुर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हालांकि पहले पैसों की अदायगी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक एडीएम डीआरओ आईटीएनएल कंपनी अधिकारी और एनएचएआई के पीडीवी मौजूद रहे, लेकिन तमाम दावों के बाद भी उक्त लोगों के पैसे कैसे अदा होंगे और कौन अदा करेगा इस बात पर कोई बात नहीं बन पाई, जिसके बाद उक्त लोगों ने पहले उपायुक्त कार्यालय में जमकर हल्ला बोला। भी बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने उपायुक्त के कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन पुलिस के जवान एनएचएआई के पीडी को पिछले दरवाजे से लेकर चले गए। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बिलासपुर बस अड्डे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी सभी प्रभावित लोगों को मौके से हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। उपायुक्त ने कंपनी को साफ कह दिया कि एक सप्ताह के अंदर तय किया जाए कि उक्त प्रभावित लोगों को पैसा कौन और कैसे अदा किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व सचिव विवेक कुमार, दिनेश सैनी, दिनेश नड्डा, सचिन चंदेल, नितिन महाजन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सेना के सरहदों की रक्षा के साथ साथ स्वच्छता पखवाड़े के तहत आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है, ताकि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो सके, इससे आने वाली पीढ़ी पर्यावरण सुरक्षित में मदद कर सके। इसी मुहिम को लेकर शिमला जिले के रामपुर के समीप पिथी मिलिट्री स्टेशन के ड्राई पिक ब्रिगेड के वीर मराठा जवानों ने डीएवी स्कूल दत्तनगर के बच्चों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। इससे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए दत्तनगर में एक जवानों और स्कूली बच्चों ने रैली भी निकाली थी। साथ में सेना और स्कूली बच्चों ने मिलकर दत्तनगर आसपास फैले कचरे को भी साफ किया। बच्चों को सेना के अधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में भी अवगत करवाया। इस मौके पर मौजूद सेना के अधिकारियों एवं स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को प्लास्टिक कम से कम उपयोग करने की सलाह दी। अभियान के दौरान ये भी प्रण लिया गया कि अपने परिवार और आस पड़ोस को इस विषय पर जागरूक करेंगे। कर्नल मालिक वीर सिंह ने बताया कि स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पखवाड़े के तहत अभियान चलाया गया है। हमारा मकसद था कि कल के भविष्य बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जागरूक करे, ताकि इसे इस्तेमाल न किया जा सके और पर्यावरण खराब न हो। उन्होंने बताया कि सेना बच्चों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रही है, पर्यावरण को बिगाड़ने वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें। सेना सैन्य क्षेत्र में सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती है। हिमाचल पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला मंडी के चुनाव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल सुंदरनगर में संपन्न हुए। इसमें कमल किशोर शर्मा को दूसरी बार मंडी जिला की प्रधान पद की कमान सर्वसहमति से सौंपी गई। ये चुनाव प्रक्रिया प्रधानाचार्य राम शरण नारंग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें संघ का महासचिव राजीव चंदेल को भी सर्वसम्मति से बनाया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी मनोज कुमार, जिला प्रधान कुल्लू और उप प्रधान जीतराम ठाकुर के दिशा निर्देशों के तहत काफी लंबी जदोजहद के बाद प्रवक्ता के चुनावों की खींचातानी को लेकर सहमति प्रदान की गई और ये निर्णय लिया गया कि संघ के प्रधान और महासचिव आगे चुनावों की प्रक्रिया को पूरी करते हुए कार्यकारिणी का विस्तार जल्द ही करेंगे। सर्वसहमति से दूसरी बार जिला मंडी के प्रधान बने कमल किशोर शर्मा का कहना है कि मुख्य अध्यापकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करके 26 अप्रैल 2010 के बाद पदोन्नत स्कूल प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति देने का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण खंड में जिला स्तर पर मुख्य अध्यापकों के पद शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सृजित किए जाए। उन्होंने कहा कि टीजीटी वर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति मुख्य अध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर अक्सर कम हो गए हैं। टीजीटी वर्ग के शिक्षकों की 26,000 संख्या को मद्देनजर रखते हुए मुख्य अध्यापक से
प्रधानाचार्य पदों पर मुख्य अध्यापकों का पदोन्नति कोटा में कोई परिवर्तन न किया जाए। उन्होंने कहा कि पदोन्नत प्रवक्ता संघ की लंबित मांगों को लेकर जल्द ही प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेगा और जो विसंगति लंबे समय से चली आ रही है उसको दूर करने के लिए संघ बरसक प्रयास करेगा।